परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे जोहान ग्रैंडलर के जीवन के बारे में। जन्म 7 अप्रैल 1677, मृत्यु 19 मार्च 1720, मूल स्थान जर्मनी, दर्शन भारत। ईसाई परिवार में जन्मे बच्चों के संबंध में सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे उद्धार पाने का अनुभव की अहमियत नहीं समझते। आज के कई युवाओं का मानना है कि उनके माता पिता की परमेश्वर की भक्ति में उन्हें नरक से बचाएगी, और ऐसा ही जोहान ग्रैंडलर का भी मानना था। एक धार्मिक परिवार में जन्मे ग्रैंडलर को ईसाई कहलाने पर गर्व था। अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने लीपचिंग और विडेनबर्ग में धर्मशास्त्रीय अध्ययन किया, और फिर भी वे नहीं जानते थे कि उद्धार का अनुभव क्या है। लेकिन कुछ दिन पश्चात जब उन्होंने हाल ही में सच्ची और झूठी भक्ति के बारे में उपदेश सुना, तब उन्होंने अपने अहंकार छोड़कर मसीह में एक विनम्र नई रचना बन गए। ग्रैंडलर ने कुछ समय तक एक शिक्षक के रूप में काम किया और फिर भारत में हिंदुओं के बीच सेवा करने के लिए परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया। भारतीयों को मसीह के प्रेम की ओर ले जाने की उत्कट इच्छा के साथ ग्रैंडलर कुछ अन्य मिशनरियों के साथ सन 1701 में ट्रैक्यूबार पहुंचे। उन्होंने तमिल सीखी और सेविकाई में जिगेनवर्ग के विश्वसनीय सहयोगी बन गए। उन्होंने एक साथ पड़ोसी शहरों और कस्बों की पैदल यात्रा की और सुसमाचार का प्रचार किया। उनकी विनम्र स्वभाव उन्हें लोगों के करीब ले आया, और बहुत ही कम समय में वे कई लोगों को मसीह की ओर मार्गदर्शन करने में सक्षम रहे। अपनी सेविकाई के कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा ग्रैंडलर ने दक्षिण तमिलनाडु में शैक्षिक गतिविधि को पुनर्गठित करने के लिए भी कड़ी मेहनत की। उनके पूर्व शिक्षण अनुभव ने उन्हें इस कार्य में मदद की। उन्होंने अन्य ट्रैक पर मिशनरियों की मदद से लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से डेनिश और पुर्तगालीन स्कूल खोले। उनका मानना था कि सुसमाचार प्रचार जबरदस्ती और अज्ञानता के बजाय शिक्षा और अन्याय के द्वारा ही क्रियाशील हो सकती है। इन स्कूलों के माध्यम से वे देसी बच्चों की शैक्षिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहे। ग्रैंडलर ने जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने प्रभु की महिमा की, और ऐसे पवित्र सेविकाई की बुलाहट के लिए हमेशा आनंदित थे। वे जिगेनवर्ग की एक वास्तविक संपत्ति थे जिन्होंने उनके बाद ट्रैक्यूबार मिशन को चलाने के लिए उन्हें चुना। ग्रैंडलर अपने प्रभु के स्वर्गीय आनंद में बुलाए जाने तक अपनी सेविकाई की बुलाहट में विश्वास योग्य बने रहे। प्रिय, क्या आप अपने आध्यात्मिक घमंड पर जाय पाएंगे? हे प्रभु, मुझे दीन और खेदित मन का बना। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।